नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सिबा ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी से संबंधित कुछ प्रश्न के बारे में, क्योंकि दोस्तों अगर आप इंडियन आर्मी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके लिए उसका एग्ज़ाम भी देना होगा। लेकिन उसको एग्ज़ाम के लिए देने के लिए आपके लिए एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो आपको पता होना ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज ये जो वीडियो है इसमें मैंने कुछ करीब 11 क्वेश्चंस लिए हैं और ये 11 क्वेश्चंस आर्मी से ही रिलेटेड हैं। तो अगर आप इंडियन आर्मी में भर्ती होना चाहते हैं तो आपके लिए ये वीडियो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। विश्वास कीजिएगा, अगर आपने ये वीडियो देखी और आप आर्मी के रिटर्न एग्जाम में गए तो आपके लिए इस वीडियो से कम 4 क्वेश्चंस 100% मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अगर आप इंडियन आर्मी से प्यार करते हैं तो। ठीक है दोस्तों, इंडियन आर्मी से संबंधित मैंने 11 क्वेश्चंस लिए हैं और एक से एक अच्छे और सिलेक्टेड लेवल के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक बार बता देना चाहते हैं कि हमारे चैनल पर आपके लिए आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, आरपीएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और बीएसएफ और भी दोस्तों बहुत सारी फोर्सेस हैं इंक्लूडिंग पुलिस, जिनकी तैयारी के लिए आपके लिए जनरल नॉलेज की डेली एक वीडियोज मिलती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी पीडीएफ भी हम आपके लिए फ्री में प्रोवाइड कराते हैं। उसके साथ साथ दोस्तों, ये जो वैकेंसीज हैं, ये जो जॉब्स हैं, इनकी जो वैकेंसीज निकलती हैं उनकी जानकारी भी हम आपके लिए देते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक बार एक रिक्वेस्ट और होगी कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसकी जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंचती है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय सेना की स्थापना कब हुई? सबसे बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये ज़्यादातर लोगों के लिए नहीं पता है। आप इंडियन आर्मी में भर्ती होना चाहते हैं तो आपके लिए ये बात तो पता होना चाहिए कि आप जिस जॉब के लिए इतनी परेशानी उठा रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना कड़ा परिश्रम कर रहे हैं, तो आपके लिए उसके बारे में कुछ ना कुछ बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन है कि भारतीय सेना यानी कि इंडियन आर्मी की स्थापना कब हुई थी। क्वेश्चन नंबर 1 के ऑप्शंस आपके सामने आ चुके हैं, तो यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, 1 अप्रैल 1895। जी हाँ दोस्तों, 1 अप्रैल 1895 के लिए इंडियन आर्मी की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, वर्तमान में भारतीय सेना की कितनी कमान कार्यरत हैं, जिनके लिए इंग्लिश में दोस्तों कमांडो बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं इनके लिए कमान। तो इसमें भारतीय सेना की कितनी कमांड कार्यरत हैं? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 के ऑप्शन हैं आपके ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6 एंड ऑप्शन डी 7 कमांड। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी 7 कमांड। अब दोस्तों आपके लिए 7 कमांड है ये तो पता चल गया, ये 7 कमांड कौन कौन सी हैं और इनके जो मुख्यालय हैं, हेडक्वार्टर्स है, इनकी लोकेशन है वो कहाँ पर है, वो भी आपके लिए पता होना जरूरी है। तो वीडियो में बने रहिए, आगे इनके बारे में भी मैं आपके लिए एक एक करके सभी के बारे में बताऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, भारतीय सेना की पूर्वी कमान यानी कि ईस्टर्न कमांड का मुख्यालय कहाँ पर है? इसके लिए हम ये भी बोल सकते हैं कि ईस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। ठीक है, ऑप्शन से आपके ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी दीमापुर, ऑप्शन सी गुवाहाटी एंड ऑप्शन डी है आपका गंगटोक। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए कोलकाता। जी हाँ दोस्तों, ईस्टर्न कमांड जो है, जिसके लिए हम पूर्वी कमान बोलते हैं, उसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वो कोलकाता में है। अब कोलकाता कहाँ पर है आपको पता होगा, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, भारतीय सेना की उत्तरी कमान यानी कि नॉर्दर्न कमांड का मुख्यालय कहाँ पर है? ये दूसरी कमांड है, आप ध्यान रखिएगा, मैंने 7 कमांड बताएंगे, 7ों कमांड के मैं यहाँ पर आपको लोकेशन बताऊंगा कि इनके जो हेडक्वार्टर्स हैं, मुख्यालय हैं, वो कहाँ पर हैं। तो अभी आइए दोस्तों उत्तरी कमांड। ठीक है, तो ऑप्शन हैं आपके जम्मू, पठानकोट, उधमपुर और श्रीनगर। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी उधमपुर। जी हाँ दोस्तों, भारतीय सेना की जो उत्तरी कमान है उसका जो मुख्यालय है वो उधमपुर में है। उधमपुर किस राज्य में है? जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय सेना की पश्चिमी कमान यानी कि वेस्टर्न कमांड का मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन से आपके ऑप्शन ए चंडीगढ़, ऑप्शन बी अम्बाला, ऑप्शन सी जयपुर
एंड ऑप्शन डी है आपका पटियाला। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि वेस्टर्न कमांड यानी कि जो पश्चिमी कमान है उसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। ऑप्शंस मैं आपके लिए बता चुका हूँ। अगर दोस्तों आपके लिए इसका आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दिया करें। तो चलिए, जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि भारतीय सेना की जो पश्चिमी कमान है, जिसके लिए इंग्लिश में वेस्टर्न कमांड बोला जाता है, उसका मुख्यालय है दोस्तों आपका चंडीगढ़ में। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता देता हूँ कि अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ फाइल को फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल शिवा ऑनलाइन क्लासेस को सर्च कर लीजिए टेलीग्राम पे, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ से आप इस वीडियो की पीडीएफ फाइल के लिए बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, भारतीय सेना की दक्षिणी कमांड यानी कि साउदर्न कमांड का मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, दक्षिणी कमान का मुख्यालय कहाँ पर है। ऑप्शन से आपके ऑप्शन ए पुणे में, ऑप्शन बी मुंबई में, ऑप्शन सी मैसूर में एंड ऑप्शन डी है आपका चेन्नई में। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर होगा आपका वो होगा ऑप्शन ए पुणे में। जी हाँ दोस्तों, साउदर्न कमांड जिसको हम हिंदी में दक्षिणी कमांड बोलते हैं, इसका जो मुख्यालय है वो पुणे में है। और पुणे कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। ठीक है, याद रखिएगा पुणे कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय सेना की दक्षिण पश्चिमी कमान यानी कि साउथ वेस्टर्न कमांड का मुख्यालय कहाँ पर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, जयपुर में। जी हाँ दोस्तों, ग्वालियर, भोपाल, बीकानेर इनमें से कहीं पर भी नहीं है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कन्फ्यूज रहते हैं यहाँ पर ग्वालियर के लिए, लेकिन ग्वालियर में दोस्तों कोई भी इंडियन आर्मी की कमांड स्थित नहीं है। तो भारतीय सेना की जो दक्षिण पश्चिमी कमांड है वो जयपुर में है, और जयपुर कहाँ पर है आपका, राजस्थान में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय सेना की ट्रेनिंग कमांड का मुख्यालय कहाँ पर है। ऑप्शन से आपके ऑप्शन ए शिमला, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी मथुरा एंड ऑप्शन डी है आपका आगरा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए शिमला। ये है दोस्तों इंडियन आर्मी की जो ट्रेनिंग कमांड है उसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वो शिमला में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय सेना की मध्य कमान यानी कि सेंट्रल कमांड का मुख्यालय कहाँ पर है। ऑप्शन है आपके ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी इम्फाल, ऑप्शन सी लखनऊ एंड ऑप्शन डी बेंगलोर। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी लखनऊ। लखनऊ कहाँ पर है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में भारतीय सेना की सेंट्रल कमांड का मुख्यालय है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, भारतीय सेना की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है। भारतीय सेना की सबसे छोटी जो इकाई होती है उसके लिए क्या कहा जाता है। ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए बटालियन, ऑप्शन बी कंपनी, ऑप्शन सी सेक्शन एंड ऑप्शन डी प्लाटून। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर है ऑप्शन सी सेक्शन। भारतीय सेना की सबसे छोटी इकाई के लिए सेक्शन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है और आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, भारतीय सेना के वर्तमान सेना अध्यक्ष कौन है। ऑप्शन से आपके बीके सिंह, ऑप्शन बी अरूप राहा, ऑप्शन सी बिपिन रावत एंड ऑप्शन डी है आपका मनोज मुकुंद नरवणे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, मनोज मुकुंद नरवणे। जी हाँ दोस्तों, भारतीय सेना के जो वर्तमान में सेना अध्यक्ष हैं, जनरल हैं, उनका नाम है मनोज मुकुंद नरवणे, और इससे पहले जनरल थे हमारे बिपिन रावत, जो कि इस समय CDS हैं। CDS की फुल फॉर्म होती है दोस्तों चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो ये थे दोस्तों 11 क्वेश्चंस। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी इसको वीडियो के लिए शेयर करते रहना। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।